हाय फ्रेंड्स, मैं रेखा नेगी, आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक लाइव डेमो दिखाने वाली हूँ एटोमिका इवनिंग केयर का सेट। आप देखना, ये है 4 का सेट इवनिंग केयर। इसमें हमारे पास है डीप क्लिंजर, फॉर्म क्लिंजर, पीलिंग जेल एंड मास्क। आज मैं दिखाऊंगी आपको कि इसका कैसा रिजल्ट है। आप देखिए मेरी स्किन कैसी है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डीप क्लिंजर से। मेकअप को करना जितना ज़रूरी होता है, उसको रिमूव करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो स्किन बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर किसी की स्किन पे ब्लैक हेड्स हैं, किसी का रिंकल्स का प्रॉब्लम है, किसी का डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम इतना सा ये यूज़ किया हमने। और डीप क्लिंजर लगाने के बाद इस पर 2 या 3 मिनट तक जेंटल मसाज करनी है। रगड़ना नहीं है स्किन को बिल्कुल भी नहीं, बस मसाज करनी है हल्के हाथों से। और देखो क्या होता है इसमें, क्या जादू करता है हमारा डीप क्लिंजर। और ये कोई भी किसी भी टाइप का स्किन होगा वो यूज़ कर सकता है, ऑल स्किन टाइप है। बहुत सारे लोग होता है जिनका सेंसिटिव स्किन होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं यूज़ कर पाते क्योंकि स्किन उसमें दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है। ये एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि रात को सोने से पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, मेकअप किया हुआ ऐसे ही सो गए तो स्किन पूरी ख़राब हो जाएगी। मेकअप मैंने बताया पहले भी कि जितना ज़रूरी मेकअप करना होता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसे निकालना होता है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से 2 मिनट मसाज मेरी हो गई, और अब मैं करूँगी इसे टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से आप देखेंगे इसमें वाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ डीप क्लिंजर ड्राई स्किन पे यूज़ करना है। और आप देखोगे, ये दिखा मेरा मेकअप सारा निकल गया, साथ में और भी जो आपने यूज़ किया होगा वो भी निकल जाता है। अगर आपने ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, जैसे कहीं शादी पार्टी से आए, तो फर्स्ट टाइम तो आपने ऐसे जैसे मैंने अभी यूज़ किया ये यूज़ करना है, और सेकेंड टाइम जितना मैंने अभी यूज़ किया इससे आधी क्वांटिटी आप फिर यूज़ करोगे, और दोबारा से फिर से जितना मैंने पहले जितनी क्वांटिटी ली थी उसकी हाफ क्वांटिटी फिर से यूज़ करोगे। जैसे ये रहा, फिर उससे मसाज कर देनी है 2 मिनट और, ताकि ये अंदर तक जाए और हमारी स्किन को क्लियर कर दे। और सेकेंड में हम यूज़ करेंगे हम फॉर्म क्लिंजर, ये भी 1 टाइम मॉर्निंग 1 टाइम नाइट। मैं हल्का सा पहले हाथ में इसका झाग बनाना है, वो मैं बताती हूँ आपको। फॉर्म क्लिंजर इतना सा यूज होता है, इतनी सी क्वांटिटी यूज होती है इसकी। पहले हाथ में इसका झाग बनाना है, थोड़ा सा वाटर लेके इसको भी 2 मिनट तक स्किन पे यू। इसको भी चेहरे पे 2 मिनट तक, इससे भी लगभग जेंटल मसाज करनी है। अब मैं फेस को वॉश करके आती हूँ।
अब मैं अपनी स्किन पे यूज़ कर रही हूँ पीलिंग जेल। इसे रखना है स्किन पे 5 to 7 मिनट। जिसकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है वो 4 मिनट में रिमूव कर सकता है, और जिसकी थोड़ी सी हार्ड स्किन है वो 7 से 8 मिनट, जैसे जेंट्स होते हैं वो 7 से 8 मिनट तक रख सकते हैं, और नॉर्मली इसे 5 to 6 मिनट तक रखना है। ये हमारी क्या करता है, डेड स्किन होती है उसे रिमूव करता है। पहले मैंने यूज़ किया था डीप क्लिंजर, ये हमारी क्या करता है जो स्किन पर डस्ट वगैरह है उसे रिमूव करता है। फिर यूज़ किया था फॉर्म क्लिंजर, ये फेस वॉश का काम करता है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये एवरी मॉर्निंग एवरी नाइट, हर रोज़ सुबह भी यूज़ करना है, शाम भी यूज़ करना है। और पीलिंग जेल को हम सिर्फ हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। अभी देखना पीलिंग जेल हमारा क्या जादू करता है। अब देखिए, अब 6 मिनट पूरे हो चुके हैं, पीलिंग जेल का जादू ये ऐसा निकलना शुरू होता है। हमारे स्किन की जितनी भी डेड स्किन होती है, ये देखिए दिख रही है छोटी छोटी, ये रिमूव करता है हमारी डेड स्किन को। ऐसे हल्के हाथों से इसे निकालना है। जब ये थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद इसे मैं वॉश करके आती हूँ। देखिए कितनी डेड स्किन है। आपको मेरी स्किन पे पहले ब्लैक हेड्स थे बहुत सारे, मैं धीरे धीरे पिछले दिसंबर से मैं यूज़ कर रही हूँ और मेरी स्किन पे ये सारे जो ब्लैक हेड्स थे सारे हटना शुरू हो गए। और ये मैं ऐसे करके सारी स्किन पे इसे, क्योंकि मेरा ख़त्म होने वाला है बिल्कुल, तो यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। और अभी आपको इसको हम लगभग 15 से 20 मिनट तक रखते हैं इसको पूरा लगा के, उसके बाद आपको दिखाती हूँ मेरी स्किन की कैसी हुई है आफ्टर इवनिंग केयर सेट यूज। मैं धीरे धीरे लगा लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से फिर देखिए कैसा लग रहा है। हमारे जो एटॉमिक के ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है किसी भी ब्यूटी के, क्योंकि मैंने टोनर यूज़ किया है, लोशन यूज़ किया है, आई क्रीम यूज़ किया है, न्यूट्रिशन क्रीम यूज़ किया है, सनस्क्रीन यूज़ किया है। अब तो खैर सारे ख़त्म होने को आए हैं, अभी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, बट बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए मैंने तो उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखा मैंने। क्योंकि स्किन पे जैसे मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, कुछ भी यूज़ करूँगी तो हर कंपनी का हर प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि स्किन पे एकदम से दाने निकल आएंगे या ब्लैक हेड्स आ जाएंगे, स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं बहुत डरती हूँ, कोई मैंने आज तक जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे तो सारे ब्रांडेड क्वालिटी के ही यूज़ किए हैं। लेकिन ये जो एटॉमिक के प्रोडक्ट का रिज़ल्ट है तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसकी, इनके प्रोडक्ट का, क्योंकि हमने जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज की है वो फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी यूज की है, मल्टी नैनो टेक्नोलॉजी यूज की है, और साथ में हाई प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज की है। इन 3 टेक्नोलॉजी के यूज़ के कारण क्या हुआ कि हमारे स्किन के जो पोर्स की दूरी होती है वो 100 से 120 नैनोमीटर होती है। और जो हम मार्केट का चाहे कितना भी अच्छा ब्रांड यूज़ करते हैं उसकी आप देखोगे तो उसकी चौड़ाई होती है उस प्रोडक्ट की वो 200 से 300 नैनोमीटर होती है। और लेकिन जो हमारा एटॉमिक ब्यूटी का प्रोडक्ट है उसकी जो चौड़ाई होती है वो 20 से 50 नैनोमीटर होती है, जो हमारी स्किन के अंदर 7 लेयर अंदर तक जाके चले जाते हैं, और इसलिए उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। हमारे एटॉमिक के प्रोडक्ट का अच्छा रिज़ल्ट होने का मेन कारण यही है, क्योंकि ये बहुत छोटे पार्टिकल में टूटता है और हमारी स्किन के अंदर तक जाता है।
जैसे मैंने ये पीलिंग जेल यूज़ किया है तो ये हमारे अंदर तक डस्ट को निकालता है, हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है। ये हमारा डीप क्लिंजर है, ये हमारी क्या करता है कि अंदर तक जाके जितने भी हम पॉल्यूशन में जाते हैं, बाहर जाते हैं, मेकअप के कारण स्किन ख़राब होती है, तो ये अंदर तक जाके इसको साफ करके ले आता है, क्लीन करता है। तो इसलिए इसके प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा है। और आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। आपको तब तक के लिए, आप इतना लंबा टाइम आप लोगों ने हमें दिया, थैंक यू सो मच। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, हमारे टीम वारियर के साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जानकारी जब मैं आप तक लेके आऊँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम।